हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और मैं यहाँ लगी हूँ सिलाई करने की। ये बेडशीट है तो उसमें बीच में कट लग गया था थोड़ा सा, तो वही बस कट निकाल दिया है मैंने उसमें से, मतलब तो काट के अलग कर दिया है। और फिर मैं लगा रही हूँ उस पर सिलाई, तो बस सिलाई लगा के फिर मैं देख लूँगी बिछा करके कि कैसी हुई है। बेडशीट हमारी सिल चुकी है और मैं अब इसको बिछा लेती हूँ यहाँ पर। और ये क्योंकि धुली थी तो मुझे साथ के साथ इसलिए याद भी आ गया कि इसको सिलना भी है। तो ये बेडशीट, ये देखो क्या हाल कर दिया है मैंने इसका, बेडशीट का। इसको बिछाने लायक छोड़ा ही नहीं है। और मशीन लगाई हुई थी तो ये कपड़े भी धुल गए। और क्योंकि फिर मुझे डालना है अचार, कटहल का अचार जो मैंने कल काट के और उबाल के रखा था, तो सुखा भी दिया था अंदर। और आज धूप निकल आई है तो मैंने कपड़े धुल के भी डाल दिए हैं और कटहल को यहाँ पे धूप में फैला दिया है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, तो सुबह सुबह तो अच्छी निकल जाती है धूप, और बाद में क्या होता है कि बाद में कई बार बादल हो जाते हैं, घटा हो जाती है। और ये सूख रही है कटहल, और ये टिफ़िन भी सुखा दिए मैंने बच्चों के, लंच बॉक्स वगैरह धूप लगा देती हूँ मैं हल्की सी। और पौधे देखिए हमारे कितने खूबसूरत हो रहे हैं पौधे। और ये है कद्दू की बेल, जो मैं कद्दू का बीज मैंने लगा दिया था, तो लगाया तो दो तीन गमलों में था लेकिन एक में ही हुआ और बाकी का पता नहीं कहाँ चला गया। और यहाँ मैंने रख दिए काले चने उबलने के लिए, जो मैंने रात भिगो दिए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस इतने काले चने उबल रहे हैं, इतने मैं प्याज टमाटर और लहसुन काट के, हरी मिर्च काट के रख लूँगी, क्योंकि बाबू छोटा को जाना है ट्यूशन, तो जल्दी जाना है, आज मॉर्निंग में जाना है। तो इसलिए फिर मैं बाकी की तैयारी कर ले रही हूँ और बच्चों को चने खिला के और मैं भेज दूँगी ट्यूशन। तो ट्यूशन से आएंगे, इतना टाइम हो जाएगा थोड़ा, तो तब तक लंच टाइम हो जाएगा। और यहाँ चाकू जो था हमारा, पुराना चाकू था, तो नल ठीक करने आए थे वो हमारे ले गए वो पुराना चाकू, और उसके चक्कर में मेरा आज इतना हाथ कटा है कि नया चाकू रखा हुआ था तो वो मैंने निकाला, उससे लहसुन छिल रही थी, तो एक तो ठीक छिल गया इतना, लेकिन वो आदत है ना, तो आदत थी पुराने चाकू की मुझे। पुराना चाकू थोड़ा खुट्टल था, मतलब थोड़ा शार्प नहीं था इतना ज़्यादा, और बस उसको लहसुन के छीलने में इतना मेरा उस पर अंगूठे पर इतना ज़्यादा कट लगा कि वो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ बहुत देर के लिए मुझे रुकना पड़ गया था बीच में, क्योंकि कुछ काम हो ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था उसमें से, गहरा कट गया था ज़्यादा। तो बस जब ब्लड बंद हो गया है और तब जाके मैं काम करने लगी हूँ, क्योंकि अगर बाबू छोटे ट्यूशन चले जाएंगे भूखे ही तो फिर डेढ़ दो घंटा लग जाता है, कम से कम भूखे ही रहेंगे। तो बस मैंने कर दी यहाँ तैयारी शुरू। और हाथ में इतना दुख रहा था मेरा कि कुछ भी लग रहा था हाथ में, तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और चने छौंकने मैंने कर दिया शुरू। तो पहले प्याज और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, और पहले डाला मैंने तेल, उसमें कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो जीरा डाला फिर उसके बाद, और फिर डाला लहसुन और प्याज जो बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर चॉप कर लूँगी। तो इतने प्याज भुन रहा है और गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, तो धीरे धीरे भुन जाएगी ताकि जले ना ज़्यादा। और मेरे हाथ में इतना लग रहा है सब कुछ, ये टमाटर मिर्च वगैरह प्याज सब कुछ हाथ में लग रहा है। और हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर मैंने पहले चॉप कर लिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें चॉप एक साथ नहीं हो पाती हैं। और प्याज और लहसुन तो सही से चॉप हो जाता है, लेकिन टमाटर अगर ज़्यादा हो जाते हैं इसमें तो फंस जाता है ब्लेड इसका, और एक बार ये ख़राब भी हो चुका है चॉपर। तो बस टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं, तो मैं यहाँ डाल दूँगी हींग उसमें, मतलब मसाले ऐड कर दूँगी। तो थोड़ी सी डाल दी है हींग, थोड़ी सी डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा नमक मैंने इसमें उबालने में भी डाला था तो उसी को ध्यान में रखते हुए। और बस थोड़ा सा डाल दिया है सूखा धनिया, और गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो मसाले हल्के ही ऐड किए हैं मैंने इसमें, और ये मसाले तो वैसे ज़रूरी होते हैं, नमक हल्दी ये तो ज़रूरी है, धनिया भी ज़रूरी होता है और नुकसान ही करता है धनिया। और मिर्चें मैंने हरी डाली हैं, लाल मिर्चें इसमें मैं नहीं डालती हूँ, गर्मियों में किसी भी चीज़ में नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्चें ही डालती हूँ जिसमें डालती हूँ। तो बस मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो मैं यहाँ चने ऐड कर दूँगी। तो चने मैं पहले इससे डाल रही थी तो इससे डल ही नहीं पा रहे हैं, वो थोड़े थोड़े ही चने आ पा रहे हैं। अब मैंने सोचा कि कुछ बड़ा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जल्दी से काम हो जाए, तो बस ये पूड़ी और ये पकौड़े वगैरह उतारते हैं ये ले लिया मैंने इससे। और इससे तो दो ही बार में काम हो गया है, आधे एक बार में आ गए, आधे एक बार में आ गए, और छोटा नहा के आ चुकी है। तो छोटा बस पूछ रही है कि कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि ट्यूशन का टाइम बस होने ही वाला है और बाबू गई है नहाने के लिए।
तो बस चने भी बन के तैयार हैं, बस मुझे 5 मिनट और लगेंगे इसमें कि ये इसको अच्छे से चला के मिक्स करके चने और मसालों को, और बस 5 मिनट के लिए मुझे ढकना है और बस चने हमारे बन के तैयार हैं। फिर चने हो चुके हैं हमारे बनके तैयार, तो बस मैं साथ के साथ बाबू और छोटा को निकाल दूंगी, ठंडे कर दूंगी इसमें प्लेट में करके, और बाकी हस्बैंड को बाद में दे दूंगी क्योंकि बच्चे चले जाएं पहले ट्यूशन। और इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी नींबू, और क्योंकि प्याज टमाटर तो मैंने छौंकने में ही यूज़ कर लिए थे अच्छे से ज़्यादा से, तो बस अब और इसमें ऊपर से कुछ नहीं डालूंगी चनों में, बस नींबू डालूंगी, आधा नींबू डाल दिया है। और नींबू निचोड़ने के बाद जो मेरे अंगूठे की हालत हुई थी, इतना लग रहा था उसमें, क्योंकि उस समय तो याद नहीं रहता है काम करते समय, बाद में याद आता है। तो बस बाबू छोटा कर चुके हैं ब्रेकफास्ट और अब चल पड़ी हैं ट्यूशन, और दोनों ने बाल भी धुले हैं, तो छोटा के बालों का वो तो इतना नहीं रहता है मुझे, बाबू के बाल लेकिन बड़े हैं अभी, तो बाबू के बालों का देखो ये दिक्कत रहती है। अब जैसे मैंने शैम्पू किया है तो ये बाबू छोटा पापा को बाय करके आ रही हैं, लेटे हुए हैं अंदर, तो बाबू के बालों की ये दिक्कत रहती है। देखो अब जैसे बाल धुले हैं तो वो 1.5-2 घंटे ऐसे ही रहेंगे बंधे हुए, और उसमें क्या होता है वो चिपक जाते हैं बिल्कुल, और स्मेल करने लगते हैं गीले बाल जब उनको वो सूख नहीं पाते हैं। तो बस मैं यही इसीलिए पूछ रही थी कि मुझे बाबू के बाल कटाने चाहिए या नहीं, बस यही दिमाग में चल रहा है रोज के। और फिर धूप तेज है तो थोड़ी देर ही रखूंगी, धूप में रखने के बाद में फिर हल्का सा मुझे भूनना भी है, तो यहाँ मैं साफ कर ले रही हूँ पहले, और साफ करने के बाद में फिर मैंने धूप में रख दिए थे, उसके बाद मैं अब भून ले रही हूँ। तो बस एक एक करके ला रही थी पहले, फिर मैं इकट्ठे ले आई हूँ सारे, क्योंकि बार बार क्या लग रहा था कि किचन में भी गर्मी लगती है और बाहर भी गर्मी लगती है, तो मैं सारा सामान उठा के इकट्ठा ले आई हूँ और एक एक करके सारे मसाले भून लूँगी, और लो फ्लेम पे करके भून लूँगी, हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा जलाने नहीं है मसाले, बस हल्की हल्की भूनने की स्मेल आने लगे इतना बस। और मसालों में मैंने लिया है यहाँ पर सौंफ, धनिया, राई, पीली सरसों, जीरा, मेथी दाना, और बाकी मसाले लूँगी मैं पिसे हुए, जो पिसे हुए रखे हुए हैं, पिसे हुए रहते हैं वो वाले, ये साबुत मसाले हैं, खड़े मसाले, तो ये मैंने भून ले रही हूँ, ये अच्छे से पहले धो रखे थे, उसके बाद रखने के बाद मैं भून ले रही हूँ, और भूनने के बाद में फिर मैं ठंडे करने के बाद तब इनको पीसूँगी। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं इनको पीस लूँगी, और ये मसाले मैंने धनिया और सौंफ थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, और बाकी के मसाले थोड़ा कम उस हिसाब से लिए हैं, जैसे कोई मसाला हर चीज़ को ज़्यादा नहीं डाल सकते हो, और सौंफ और धनिया तो दो चीज़ ऐसी हैं अगर ये थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएंगी तो अचार बल्कि और ज़्यादा स्वादी लगता है, बेकार नहीं लगता है। और बाकी मैंने अपने अचार के हिसाब से लिए हैं सारे मसाले, जैसे कटहल मैंने 4 किलो के करीब का लिया है तो उसी हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं ज़्यादा। तो बस मैं मसाले जैसे जैसे ठंडे होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं पीसती जा रही हूँ, और सारे मसाले पीस चुके हैं तो ये लास्ट में थोड़ा से मसाले बचे थे जो मैं पीस रही हूँ, तो बस अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लूँगी। तो मैं यहाँ पहले पिसी हुई हींग ऐड कर रही थी जो कि मैंने खाने के लिए ली हुई है, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैं अचार के लिए और पापड़ के लिए हमेशा अलग हींग रखती हूँ जो साबुत हींग होती है, और ये इतनी स्मेल करती है ये वाली हींग, मतलब अगर आपने किसी चीज़ में भी डाल दी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा, आपको नहीं मतलब खाने वाले को पता चल जाएगा कि आपने उसमें हींग डाली हुई है, तो वो हींग मैं अलग से रखती हूँ हमेशा अचार के लिए, और इतनी स्मेल होती है इसमें कि पन्नी खुलने के बाद आपके घर में, और जो जिनको नहीं पता है कि आप हींग ऐड कर रहे हो उनको खुद स्मेल आके पता चल जाता है कि हींग की पन्नी खुल चुकी है, मतलब हींग खुल चुकी है और किसी चीज़ में हींग डाली जा रही है, तो इतनी अच्छी हींग है। और बस मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा कर दिया है मैंने यहाँ काला नमक ऐड, और फिर उसको पीस लिया है। तो सारे मसाले मेरे पीस चुके हैं, तो अब मैं यहाँ से बाहर से जो मैंने कटहल सुखाया हुआ था वो मैं बाहर से ले आई हूँ धूप से, और कलौंजी भी सूख रही थी तो कलौंजी भी ले आई हूँ, क्योंकि कलौंजी हमें नहीं पीसनी होती है, कलौंजी हम साबुत ही ऐड करते हैं। और बाकी की चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर लूँगी अब, जो मुझे मुझे पिसे हुए मसाले ऐड करते हैं करने हैं वो भी मैं ऐड कर लूँगी। तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं थोड़ी सी और ऐड करूँगी, क्योंकि इसका एक सुंदर सा कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। और स्वाद अनुसार मैंने कर लिया है यहाँ नमक ऐड वाइट वाला, पहले मैंने काला नमक भी इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा, और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे लाल मिर्च, मतलब चटपटी वाली लाल मिर्च,
तीखी वाली, क्योंकि हम कटहल का अचार डाल रहे हैं तो इसमें मिर्चों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, किसी भी तरह की कोई मिर्च है ही नहीं, तो हमें थोड़ी सी मिर्च और अलग से ऐड करनी होती है जो हल्का सा तीखापन आया अचार में, हल्का सा तीखापन, ज़्यादा नहीं, तो बच्चे भी खा सकें इस हिसाब से। और बाकी हल्दी और बाकी मसाले तो मैं इसमें ऐड ही कर चुकी थी, तो बस थोड़ा सा तेल मिला के, और थोड़ा सा तेल इसमें मेरे आम के अचार का रखा हुआ था, पहले वाले आम के अचार का, जो अचार मतलब अचार तो ख़त्म हो चुका है और तेल बच गया था नीचे, तो पहले वही तेल मैंने यूज़ कर लिया है उसमें, मैंने कटहल में मिला के और उसी तेल में पहले यूज़ कर लिया है, मिक्स कर लिया है सारे मसालों को और कटहल को, और उसके बाद मैं बाकी का तेल यूज़ करूँगी। और हाथ में इतना लग रहा था, हाथ भी नहीं लगा रही थी मैं अचार से, तब भी हाथ में अगर ज़रा सा मसाला भी लग रहा था तो इतना लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत जलन हो रही थी हाथ में। तो बाबू छोटा भी ट्यूशन से आ चुके हैं और यहाँ अचार भी मेरा डल चुका है, और अचार भरने के बाद में उसको अच्छे से अचार को मतलब नीचे करके कि नीचे बैठ जाए और तेल अच्छे से आ सके उसमें, तो बस अचार भरने के बाद में अब मैं उसमें तेल डाल दूँगी। और अभी मौसम तो ऐसा ही है थोड़ा बारिश वाला, जब धूप निकलेगी अच्छे से तो मैं उसको धूप लगा दूँगी बाद में। और यहाँ मैं डब्बा साफ़ कर दूँगी अच्छे से कि डब्बे के किनारों पर मसाला ना लगा रह जाए, क्योंकि जो अगर डब्बे के बाहर मसाला चिपका रहता है तो उससे क्या होता है, उसमें फफूंदी वगैरह आ जाती है, जिससे अचार का ख़राब होने का डर जल्दी बना रहता है कि अचार जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब भी अचार किसी भी डब्बे में आप अचार करो तो अच्छे से पहले तो साफ़ करके धूप लगा के सुखा के तब भरना चाहिए, और जब अचार उसमें भर दें तो अच्छे से डब्बे को साफ़ कर लें बाहर से और उसके किनारे से। तो अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अचार हमारा कैसा बना।